नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है, जिसमें कि हर भारतीय नागरिक को एक हेल्थ आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। इस हेल्थ आईडी कार्ड में व्यक्ति की स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारियां दर्ज होंगी। मतलब अगर आपको किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाना है तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई फाइल या फिर किसी भी प्रकार का कोई पर्चा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी कार्ड के जरिए अपना इलाज करा सकेंगे और इसी कार्ड के जरिए व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का भी पता चल सकेगा कि व्यक्ति की कौन सी बीमारी का इलाज हुआ है, कौन से अस्पताल में हुआ है, कौन कौन से टेस्ट हुए हैं और कौन सी मेडिसिन दी गई है। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें कि आपको आपके मेडिकल उपचार से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में आपको हेल्थ आईडी कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, क्रिएट योर आवा नाउ। यहां पर आपको हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए क्रिएट योर आवा नाउ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट विया आधार, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर भी अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं, या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल के भी आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आई डोंट हैव एनी आईडीज, आई डोंट वांट टू यूज माई आईडीज फॉर क्रिएटिंग आवा। यहाँ पर अगर आप अपनी आईडीज यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक एयर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर से भी अपना आईडी बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक मार्क कर देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आई एम नॉट अ रोबोट, इसके चेकबॉक्स पर भी आपको टिक मार्क कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा दोस्तों, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है और मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डाल देना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना जेंडर डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी आईडी बना लेनी है दोस्तों। आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अपनी आईडी बनाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी आईडी बना लेता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह से अपना नाम डाल देना है या फिर कोई भी लेटर डाल सकते हैं दोस्तों। आप मनपसंद आईडी बना सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे वो आईडी यहाँ पर बना लेना है दोस्तों। उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर हो और यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए दोस्तों। एटलीस्ट 8 अंकों का आपका यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है और एड्रेस भी फिल कर दिया है, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट भी सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, योर ऐप सक्सेसफुली क्रिएट योर आभा बैगिन योर डिजिटल हेल्थ जर्नी टुडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का आपका हेल्थ आईडी कार्ड आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आप डाउनलोड आभा कार्ड पर क्लिक करके अपना हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने डाउनलोड आभा पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कार्ड डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आपके हेल्थ आईडी कार्ड में आपका फोटो नहीं दिख रहा है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर से अपनी हेल्थ आईडी कार्ड बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अपना फोटो नहीं दिखेगा दोस्तों। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपने आधार कार्ड से हेल्थ आईडी कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड में अपने आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी फोटो लगा होगा वो फोटो यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, सेट पासवर्ड कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर अपना हेल्थ आईडी कार्ड डीएक्टिवेट या डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों।